नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। एंड आज हम बात करने वाले हैं 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, 2021 की। तो सबसे पहले हम इस बिल के बारे में जानेंगे, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या किस लिए इस अमेंडमेंट बिल को लाए गए, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका और क्या ज़रूरत थी। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू थिंक कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए कोई टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। एंड प्लीज़ लेट अस नो क्या क्या टॉपिक्स हैं, सो दैट कि हम उस पर सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। अरे तो अब हम शुरू करते हैं इस टॉपिक के साथ, जो कि पार्लियामेंट ने अभी रिसेंटली पास किया है, 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को, जिसको एक ओबीसी बिल के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब इस बिल के बारे में प्रोविजन क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो हम ये जानेंगे। अब इस बिल को जानने से पहले देखिए, आपको ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जाननी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे मंडल कमीशन के बारे में। मंडल कमीशन जो है, बेसिकली 1979 में मोरारजी देसाई जी ने एक सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप किया गया था, एक कमेटी सेटअप की थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। उसमें उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो कंट्री में जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़े समाज के जो लोग हैं, जो कि सोशली और एजुकेशनली, SEBC का मतलब है सोशली और एजुकेशनली, मतलब सामाजिक तौर पर और शिक्षा के तौर पर जो पिछड़े लोग हैं, उनके बारे में एक डेटा कलेक्ट किया जाए और देखा जाए कि वो उनकी पिछड़ेपन की जो स्थिति है वो क्या है, ताकि उनके लिए जो वेलफेयर स्कीम्स है उनको बनाया जा सके, ताकि उनका भी जो सोसाइटी में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है वो हो पाए। तो बीबी मंडल जी की अध्यक्षता में, चेयरमैनशिप में ये कमेटी ने काम करना शुरू किया, जिसको मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। और इस कमेटी ने ये पाया कि 3743 जो कास्ट है, 3743 कास्ट ऐसी है जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है अभी भी। और जैसा कि आप जानते हैं कि समाज के, देश के ग्रोथ के लिए जितने भी पिछड़े वर्ग के, उनका भी ग्रोथ होना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हर किसी का। तो अब ये प्रपोज किया गया कि ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन अब ओबीसी को रिजर्वेशन जब देने की बात आई, तो जब प्रपोज किया गया कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जाए, लेकिन जो बाकी SC ST का जो रिजर्वेशन मिला के जो बात हुई, तो वो 50% क्रॉस हो रहा था। तो अब किसी पर्सन ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया, जिस केस का नाम था इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें ये बोला गया, जो जनरल व्यक्ति के लोग थे जो अनरिजर्व थे, उन्होंने बोला कि अगर सारा रिजर्वेशन दे दिया जाएगा तो फिर हमारे लिए क्या बचेगा, हमारे राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं इससे। ठीक है, तो सबसे पहले अब किस प्रोविजन के अंडर ये केस फाइल किया, आर्टिकल 15 के अंडर केस फाइल किया। अब उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि आर्टिकल 15 क्या है। तो बेसिकली आर्टिकल 15 कहता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो रेस, कास्ट या सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 15 के बेसिस पे एक पिटिशन फाइल में बोला गया कि जब रिजर्वेशन ही दे दिया जाएगा हर किसी को, तो जो हमारे जो अनरिजर्व है उनके लिए क्या बचेगा। तो अब ये जो था केस, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो कि बहुत ही लैंडमार्क है, वो आज तक एप्लीकेबल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी सरकार यदि रिजर्वेशन देना चाहती है किसी पिछली कम्युनिटी को जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, दे सकते हैं, कोई रोक नहीं है। लेकिन सारे जो रिजर्वेशन है वो टोटल मिला करके 50% क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो अब इसके बारे में ये बात हो गई कि अब जो 50% रिजर्वेशन है वो एक लिमिट सेट होगा कि जितना भी कुछ भी रिजर्वेशन आप दीजिए, लेकिन 50% क्रॉस किसी भी स्थिति में नहीं होने चाहिए। अब इतनी इंफॉर्मेशन जो आपके बैकग्राउंड मंडल कमीशन के बारे में काफ़ी है। अब हम बात करेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 127 जो लाया गया है वो क्यों लाया गया। तो इस बिल को लाने के पहले, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मराठा जो रिजर्वेशन हुआ था उस टाइम पे, 2018 में जो एक केस था मराठा रिजर्वेशन नाम से, जहां पर मराठास को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। उस केस का नाम था कि जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस CM महाराष्ट्र। ठीक है, उस टाइम पे 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, और सबसे पहली बात तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि जो मराठा रिजर्वेशन है,
अगर हम देते हैं मराठा रिजर्वेशन को, पहली बात तो ये है कि मराठा जो है वो महाराष्ट्र में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है, क्योंकि वो डोमिनेंट कम्युनिटी है वहाँ पर, एक मेजर कम्युनिटी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो वो सोशल और एजुकेशनली तो नहीं है। दूसरी बात, अगर हमको रिजर्वेशन जो आप दे रहे हैं वो 50% की जो लिमिट है वो क्रॉस कर रहा है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट जो है देते समय रिफ़र किया 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को, और उन्होंने बोला कि जो रिजर्वेशन देने की जो पावर है वो इस 102 अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्टेट के पास ये पावर नहीं है। पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट हैज़ द अथॉरिटी टू डिटरमाइन ओबीसी लिस्ट। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो बताएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के बाद कि कौन ओबीसी है कौन ओबीसी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट कोई पावर नहीं है, ठीक है। और प्रेसिडेंट किस कैसे बताएंगे? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के रिकमेंडेशन के बेसिस से बताएंगे कि कौन ओबीसी है और कौन ओबीसी नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मराठा कोटा जो था वो प्रपोज किया गया था। दरअसल देखिए, मराठा कोटा जो था वो गायकवाड कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे प्रपोज किया गया था कि मराठा जो रिजर्वेशन है वो 16% रिजर्वेशन देना चाहिए। तो बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा 60% ज़्यादा है, और अगर ये होता है तो 50% की जो लिमिट है वो क्रॉस कर जाएगा, तो हम इसे हटा देंगे, स्ट्रक डाउन कर दे रहे हैं। और जैसा कि हमने बात किया कि अब जो पिटीशन थी वो किस ग्राउंड पे, जो इवन ये रिजर्वेशन की जो पिटीशन है या जो मंडल इंदर सोनी की जो पिटीशन थी वो किस ग्राउंड पे फाइल हुई थी? वो आर्टिकल 15 के वॉयलेशन के लिए फाइल हुई थी, क्योंकि आर्टिकल 15 में ये साफ तौर पे दिया गया है कि कोई भी पर्सन को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 15 क्लॉज 4 और 15 क्लॉज 5 बाद में डाला गया, जिसमें ये बोला गया कि आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि कोई भी कम्युनिटी यदि समाज में किसी पिछड़े वर्ग से बिलोंग करती है तो उनको सोसाइटी के नॉर्मल वर्ग में लाने के लिए, उनका ग्रोथ करवाने के लिए स्टेट जो है वो रिजर्वेशन दे सकता है, और उसको डिस्क्रिमिनेशन या आर्टिकल 15 का वॉयलेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। यदि कोई बैकवर्ड कम्युनिटी है या कोई वुमेन है, उनको उनके इक्वल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वुमेन भी इक्वली रिप्रेजेंटेड नहीं थी पहले, तो उनके रिप्रेजेंटेशन की अगर स्टेट कोई स्कीम बनाता है तो वो रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ 16 क्लॉज 4 के अंडर अगर जॉब में उनको रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है तो वहाँ पे जॉब में उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है, और वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंडर आएगा, और वो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का वॉयलेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड कि उन वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये सारी चीज़ें फाइल हुई। अब जो 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था उसके बारे में कुछ डिटेल भी जान लेते हैं कि उस अमेंडमेंट बिल के अकॉर्डिंग 338B और 342A को डाला गया। इसमें प्रोविजन क्या थे? 338B के अंडर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, संवैधानिक एक मान्यता दी गई, और 342 के अंडर ये बोला गया कि प्रेसिडेंट के पास, जो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि कल वो गवर्नर से कंसल्ट करके ओबीसी की लिस्ट जो है बनाएगा। बट यहाँ पे थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम हुई। सुप्रीम जब बाद में गवर्नमेंट से पूछा गया तो गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है इस बिल में। ये भले बोला गया कि प्रेसिडेंट करेगा ओबीसी लिस्ट को करेगा अपना आइडेंटिफाई, बट स्टेट के पावर छीनी नहीं गई, स्टेट भी इसमें ऑथोराइज होंगे, स्टेट के पास भी पावर है। बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने मराठा रिजर्वेशन के जो केस में इंटरप्रेट किया कि सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है और स्टेट के पास पावर नहीं है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया कि स्टेट की जो पावर है वो ले ली गई है। तो अब मान लीजिए कि स्टेट ने कोई अपनी जो लिस्ट निकाली उसके अकॉर्डिंग इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जो 671 ओबीसी कम्युनिटी है उनको ये प्रॉब्लम, उनको ये खतरा हो गया कि जो रिजर्वेशन अगर अभी तक हम लोग मिला है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपॉइंटमेंट में, वो हमारा खत्म हो जाएगा अगर स्टेट से पावर ले ली गई। तो इसके लिए, इसको, इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने फिर 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया क्लैरिफाई करने के लिए कि इस बिल के अकॉर्डिंग हम ये बताना चाहते हैं पूरे पार्लियामेंट को कि 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास पावर है बट स्टेट की पावर छीनी नहीं गई है। स्टेट के पावर पास भी पावर है कि वो अपनी ओबीसी लिस्ट बना सकते हैं। स्टेट के पास जो ओबीसी लिस्ट होगी उससे स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम से वो डील होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ओबीसी लिस्ट है उससे सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्जाम है वो डील होंगे। तो ये क्लैरिफाई करके डाला गया। और सारी पार्टीज, जब 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मराठा रिजर्वेशन में इंटरप्रेट किया गया तो सारी पार्टीज में ये डिस्टर्बेंस हो गया कि हमारी पावर कैसे छीन ली गई, तो इसको क्लैरिफाई किया गया। तो फिर 127 बिल को जब यूनियन
मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार जी ने जब प्रेजेंट किया तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये जो है इसको अमेंड करने के हम ये बताना चाहते हैं कि स्टेट लिस्ट जो है वो वैलिड है और स्टेट के पास पावर है, वो अपनी लिस्ट बना सकते हैं। और स्टेट लिस्ट को प्रेसिडेंट के पास सिर्फ पावर नहीं है, वो दोनों के पास पावर है कि वो जो पावर है वो पहले जैसे थी वैसे ही वैसे है और कोई छीना नहीं गया कोई पावर, ठीक है। और इस समय जो है स्टेट ओबीसीज को जो है वो 27% रिजर्वेशन है। तो कंक्लूसिवली इस बिल का जो ऑब्जेक्टिव था, जो मुद्दा था, वो यही था कि 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन की उसकी वजह से स्टेट्स को लगा कि हमारी पावर ले ली गई है स्टेट ओबीसी लिस्ट बनाने की। और ये इलेक्ट पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनका